हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग इन्वेस्टिंग में। इंट्राडे के लिए मैंने इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड की है। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से सपोर्ट को पहचान सकते हैं और रेजिस्टेंस को पहचान सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, सपोर्ट क्या होता है। मार्केट यहाँ पे आता है, मान लो ऊपर चला है, मार्केट यहाँ पे हिट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट जोन। ठीक है, ये क्या है? हमारा सपोर्ट जोन। वहीं अगर रजिस्टेंस जोन की बात करें तो मार्केट ऐसे रजिस्ट करता है, ऐसे ऐसे। ये क्या है हमारा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन। समझ गए आप अच्छे तरीके से? अब सिचुएशन इससे एक लेवल एडवांस चलते हैं। क्या होता है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे, ये देखो रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट मिल गया, इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। यानी कि पहले क्या था? रेजिस्टेंस जोन, अब मिल गया ब्रेकआउट। अब थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल आगे चलते हैं। मार्केट ऐसे सपोर्ट ले रहा है, यहां पे इसका ब्रेक डाउन होगा, इसे क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। ये क्या था? ब्रेक आउट। पहले क्या था? सपोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लेवल और आगे चलते हैं। मान लो ये मार्केट है, यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया। ब्रेकआउट होगा तो अब ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट जोन। पहले क्या था? रेजिस्टेंस जोन, अब कहीं में बदल जाएगा? सपोर्ट जोन में। जितना मजबूत रेजिस्टेंस जोन होगा उतना ही मजबूत सपोर्ट जोन हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसका क्या होगा? ब्रेकडाउन, जो कि हमने यहां पे समझा, ब्रेकडाउन होगा यहां पे, फिर ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस जोन। पहले क्या था? सपोर्ट जोन, अब कहीं में बदल गया? रेजिस्टेंस जोन। जितना मजबूत सपोर्ट होगा उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? अब एक और लेवल एडवांस चलते हैं। ये तो हमने समझा एक लाइन पे कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब ये कई तरह की फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है ये ऐसे आपको फॉर्म में मिल जाए, ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऊपर ले वाली ट्रेंड लाइन क्या बता रही है? रेजिस्टेंस जोन को। नीचे ले वाली ट्रेंड लाइन क्या बता रही है? सपोर्ट जोन को। समझ रहे हो अच्छे तरीके से? ये एक रेक्टेंगल या ट्रेंगल की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऊपर ले वाला क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस को। नीचे ले वाला क्या बता रहा है? सपोर्ट को। ये जो ट्रेंगल है ये उल्टा भी हो सकता है। ये देखो ऐसे मार्केट, ये क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस जोन को। ये क्या बता रहा है? सपोर्ट जोन को। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है, मतलब आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, कोई भी रेंज हो सकती है। यहाँ पे मार्केट ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस जोन। ये क्या है हमारा? सपोर्ट जोन। देखो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझा दिए। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, आप इसमें देखो ये नैरो होता जा रहा है। अगर आप पीछे से देखोगे, पीछे से वाइड था, आगे नैरो होता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे, आपको ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, डिपेंडिंग ऑन। अगर ब्रेकआउट मिलना है तो इसका ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ब्रेकडाउन मिलना है इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे नैरो होता है, यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये भी नैरो होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी है। जब भी मार्केट एक रेंज में होता रहता है काफी समय से, उसमें भी या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब चलो इन्हें लाइव मार्केट में देखते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कहां पे मार्केट रजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसे अब हम पूरी डिटेलिंग में समझते हैं। समझ गए इसे आप फिलहाल अच्छे तरीके से? चलो अब यहां पे आ जाओ। यहां पे हम सबसे पहले तो इस सिनेरियो को समझते हैं जो मैंने आपको वो लाइन बताई थी। यहां पे देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट सपोर्ट। यहां पे देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ये क्या मिल गया? इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिला, एक अच्छी पॉसिबिलिटी। मार्केट ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ये देखो
ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह, और ये इसका ब्रेकआउट मिल गया। ये सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, दूसरा भी देखो आप। दूसरा आपको यहाँ पे ट्रेंगल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे ट्रेंगल, ये क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये नैरो होता जा रहा है। इसका यहाँ पे क्या मिला, ब्रेकआउट, और ये देखो ऊपर को पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये इसका ब्रेकआउट मिला और आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। समझ पा रहे हो कि नहीं, आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं। अब इस रेंज को देखो, आप इसे एक तरीके से रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस, इस एरिया में क्या, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस, इस एरिया में यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, हम उन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे। तो समझ गए आप, ये मैंने सिनेरियो आपको समझा दिए। चलो अब सीधा हम आते हैं कि पहचानना कैसे है, चीजों को एनालाइज कैसे करना है। देखो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम क्या दिखाई दे रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। 15 मिनट का, 5 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, इन्हें तब एनालाइज किया जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि कम टाइम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको पहले क्या देखना है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, फिर 1 वीक का टाइम फ्रेम देखना है, फिर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना है। लॉन्ग पोजीशन के लिए 1 डे से कम का नहीं देखना है, आपको कम से कम 1 डे का देखना है, मैक्सिमम आप 1 मंथ तक जा सकते हैं अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टिंग करने वाले हो। समझ गए आप अच्छे तरीके से, इन चीजों का ध्यान रखना। देखो कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी 3 आवर्स पे चले जाते हैं या 1 आवर्स पे चले जाते हैं, मतलब चीजें देखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है इंटरनली, या शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो एक एनालिसिस का अलग पार्ट होता है, हम उसे इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको यही सजेशन दूंगा, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए देखने वाले हैं इस वाले चैनल पे, हम यही प्रोवाइड करते हैं आपको लॉन्ग टर्म की सारी चीजें, तो हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। तो अब सारी चीजों को डिटेलिंग में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। देखो ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब ये लेवल क्या है, ये लेवल है सपोर्ट लेवल, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पे भी सपोर्ट लिया, एक रेंज दिखाई दे रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, आप इसे किसी पे भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 पे कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं आप, जहां पे भी इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिसमें भी आप लॉन्ग इन्वेस्टिंग कर रहे हो या लंबे पर्पज से सोच रहे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। फिलहाल आप इसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही थी, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ये एक रेंज दिखाई दे रही है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, और ये देखो ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मार्केट में हमें मिला। समझ पा रहे हो कि नहीं, और जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो अब कहीं में बदल गया, सपोर्ट लेवल में बदल गया। समझ पा गए आप, पूरा सिनेरियो समझ गए। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस रेंज को देखो, यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, सिर्फ इतना ही नहीं आपको ये भी एक रेंज दिखाई दे रही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह, मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमें नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिला, हालांकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तब हमें ये सिनेरियो देखने को मिला था, पर लेकिन थ्योरी तो थ्योरी है, लॉजिक तो लॉजिक ही है, ये उसी तरीके से एक्ट करता है। आपको अगर सपोर्ट, देखो प्राइस एक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना सीख गए तो मतलब आप एक अच्छा खासा मार्केट से रेवेन्यू कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे देखो एक रेंज दिखाई दे रही है, ऊपर क्या एक्ट कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस की तरह, नीचे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह, इसका क्या मिल गया हमें, ब्रेकआउट मिल गया, और ये देखो मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। चलो और भी चीजें देखते हैं, आपको ये ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैंने आपको सिंपली वैसे ही ड्रॉ करके दिखा दिया, आपको मतलब टूल्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसे ड्रॉ
कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। एक और हॉरिजेंटल लाइन लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे दूसरी भी हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। अब तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या एक्ट किया रेजिस्टेंस, इस कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब जो रेजिस्टेंस जोन था वो यहाँ पे क्या बन गया सपोर्ट जोन। मैंने आपको समझाया था ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे माइंड में फीड कर लो। ये रामबाण मार्केट यहाँ पे एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, इसका ब्रेकआउट मिल गया। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया तो फिर मार्केट ने क्या लिया सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो कहीं में बदल जाएगा सपोर्ट लेवल में। साफ साफ एग्जाम्पल यहाँ पे ये रहा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये क्या बन गया सपोर्ट। मार्केट ऐसे आया रजिस्ट किया रजिस्ट किया फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, अब ये सपोर्ट में बदल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं चीजें, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो दूसरा पहचान लो, यहां पे देख लो, यहां पे हमें क्या मिल रहा है रेजिस्टेंस, यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और ये देखो ये क्या मिल रहा है सपोर्ट। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट लेवल में बदल गया। समझ रहे हो कि नहीं। इसका अपोजिट भी होता है, अगर कोई सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो कहीं में बदल जाता है रेजिस्टेंस में। ठीक है, देखो मैं आपको मार्केट में समझाता रहूंगा सारी चीजों को। यहां पे देख लो ये हमारे लिए क्या है सपोर्ट, ये क्या है सपोर्ट, ये क्या है सपोर्ट, उससे पीछे जाओ यहां पे क्या एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस, यहां पे क्या एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस। यानी कि पहले क्या था रेजिस्टेंस जोन, ब्रेकआउट मिला क्या बन गया सपोर्ट जोन। समझ रहे हो ना, अगर ब्रेकडाउन मिलता तो तब वो क्या बन जाता हमारे लिए, क्या बन जाता अगर किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन तो रेजिस्टेंस में बदल जाता। चलो अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, आपको और चीजें भी दिखाने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे पहचान सके। देखो इनकी हेल्प क्या होती है, चलो ये तो बता दिया मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब पोजीशन कैसे बनानी है मार्केट में जरूरी वो भी तो है ना, कि हमें कहां पे स्टॉक बाय करना है। देखो मार्केट यहां पे गिरना शुरू हुआ, यहां पे हमें ये लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा बाइंग हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर चल गया, मार्केट ने यहां से गिरना शुरू किया, तो हमें पता रहेगा कि मार्केट कहां तक गिरेगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है ये, क्यों, क्योंकि यहां पे मार्केट ने क्या एक्ट किया था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ये देखो पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, इस कैंडल के साथ इसका क्या मिला था हमें ब्रेकआउट मिला था। अब अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो पॉसिबिलिटी है यहां पे सपोर्ट लेगा, तो हम यहां पे कुछ क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है पॉजिटिव। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन देखेंगे, ये था रेजिस्टेंस जोन, तो यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो यहां पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे और देखो मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया। तो ये हमारी ट्रेडिंग को कब हमें सेलिंग करनी है, कब हमें बाइंग करनी है, कहां पे रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। जैसे यहां पे मार्केट गिर गया था यहां पे और यहां पे हमने क्वांटिटी बाय की, तो हमें निकलना कहां पे है यहां पे, क्योंकि यहां पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, नीचे आ सकता है, भले इसका ब्रेकआउट दे दे वो एक अलग सिनेरियो है, पर लेकिन हम यहां पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी देखो, एक तरह की तो होती है लॉन्ग इन्वेस्टिंग कि आपने पैसा डाला और भूल गए, ठीक है, अगर उसमें भी कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है तो जहां पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो तब आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इस थ्योरी का यूज करते हुए, इस लॉजिक का यूज करते हुए। दूसरी होती है आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपने 10 दिन के लिए बाय कर लिया या फिर 1 मंथ के लिए बाय कर लिया या 2 मंथ के लिए बाय कर लिया, डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी बहुत कारगर होती है। इवन लॉन्ग इन्वेस्टिंग में भी होती है कि जब मार्केट गिरता रहता है कहां पे सपोर्ट ले सकता है, आप पहचान के वहां पे अच्छी खासी बाय क्वांटिटी बना सकते हैं। फिर भी ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसे बस एजुकेशनल पर्पज से लेना। चलो अब टाइम फ्रेम चेंज करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, 1 वीक का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। देखो हमने जो ड्रॉ किया हुआ था वो सब कुछ सेम है और यहाँ पे सेम ही एक्ट कर रहा है, मैं इसे रिमूव नहीं करूंगा, बस आपको यहीं पे ही समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन, आगे अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा सपोर्ट जोन की तरह।
समझ पा रहे हो कि नहीं। नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को इसी तरीके से आपको समझना होता है। यहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका वही है। बस आपको पहचानना है कि कहाँ पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। वन डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है, काफ़ी मदद करता है। देखो मैं यहाँ पे एक और आपके लिए लाइन उठाता हूँ और मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन, और मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल भी दिखाया, फिर इस कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो कहीं में बदल जाएगा सपोर्ट जोन में। यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब इसका ब्रेक डाउन मिला, ब्रेकआउट मिला तो कहीं में बदल गया सपोर्ट जोन में, ब्रेक डाउन मिला तो क्या यहीं में बदल जाएगा रेजिस्टेंस जोन में। जैसे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेक डाउन मिल गया तो वो कहीं में बदल जाएगा रेजिस्टेंस जोन में। ये सपोर्ट था रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला सपोर्ट जोन बन गया, ब्रेक डाउन मिला तो ये देखो इतने एरिया में क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बेफिक्र होकर बताना, भले ही मुझे अलग से वीडियो प्रोवाइड करनी पड़े, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, इस पूरे एरिया में रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है। जब इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, इस वाली कैंडल पे सपोर्ट, इस पे भी सपोर्ट, इस पे भी सपोर्ट, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पहचानने में काफ़ी मदद मिल जाएगी, जिससे कि आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट इजीली बना सकते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि आप इजीली कैसे ड्रॉ करें और सिलेक्शन कैसे करें कि किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको इन्वेस्टिंग करनी है या किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है। मेरा पर्पस था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाना, और आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आप किस अदर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।